आप लोगों ने अभी तक जितने भी हॉलीवुड फिल्में देखी हैं, हिट हॉलीवुड फिल्में देखी हैं, उसमें से बहुत सारी ज्यादातर फिल्मों में जो आपने आवाज सुनी है या उस फिल्म को आप पहचान पाए, समझ पाए उसके गाने को, उसकी वजह उसके पीछे यही आवाज है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं सर आपने। थैंक यू। सौदा करने आया ना, सौदा बताना चिकने कीड़े, देख मेरे पास क्या है। शक्ल की उतरी है, टाइम डकैती में पेंट गीली हो गई क्या? सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक कलाकार के तौर पर जी, आप एक्टिंग में और वॉइस एक्टिंग में क्या फर्क देखते हो? वॉइस एक्टिंग और एक्टिंग में सबसे बड़ा फर्क ये है फिजिकैलिटी का। आराम से बैठ के डब कर सकते हैं। जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो उछलना कूदना सब आपको खुद करना पड़ता है, और जब आप डबिंग कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपकी आवाज को उछलना कूदना पड़ता है। तो ये बड़ा फर्क है, ये बड़ा फर्क है, चैलेंजिंग है। और चैलेंजिंग है, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है, क्योंकि यू जस्ट हैव टू गेट इनटू द फ्लो ऑफ द कैरेक्टर। मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि मैं जब डब कर रहा होता हूँ कोशिश ये करता हूँ कि उस वक्त कलाकार जो कर रहा है, जो स्क्रीन के ऊपर है, उस वक्त उसके जहन में क्या था, क्या सोच के कर रहा था और क्या उसकी मंशा थी। ओके, तो वो पकड़ने की कोशिश करता हूँ, बाकी का काम आसान हो जाता है। क्योंकि एक बार आपने अगर वो समझ लिया तो ऑब्वियसली नेचुरली उसी फ्लो में निकलता है आपका। अब जब एंटरटेनमेंट ग्लोबली हर लैंग्वेज में डब किया जा रहा है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं, वेब के आने से बहुत बढ़ गई, तो आपको लगता है एक्टर्स के लिए एक नया मौका है सर्वाइवल के लिए और बेटर ऑप्शन है करियर के लिए? सर सर्वाइवल छोड़िए, थ्राइव करने का मौका है। तो मतलब लाइक अभी विद द काइंड ऑफ अभी ओपनिंग्स जो हुई हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो वॉइसिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, क्योंकि ये दिस इट्स अ वास्ट स्पेक्ट्रम ना। अभी तो मतलब वेब ने इतना रास्ता खोल दिया है कि हर किस्म में। और दूसरा क्या है कि आप जहाँ तक वॉइसिंग का सवाल है, तो आज आज टेलीविजन पे, आज वेब में, आज सिनेमा में, आज इवन इन डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल, एक नहीं कई जबानों में डबिंग होती है। राइट, करेक्ट। सो सिर्फ ये नहीं है कि इंग्लिश से हिंदी वाले, मतलब चाहे तेलुगु है, तमिल है, बंगाली है, मतलब सबके लिए डबिंग आर्टिस्ट के लिए इतना काम है उसमें, प्लस एक्टर के लिए। अब क्या है कि बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ वेब, अब वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया है। अब आपके जो प्रोडक्ट में जितना दम है आपको उस हिसाब से ऑडियंस मिल जाएगी। क्योंकि प्लेटफॉर्म की चिंता जो हुआ करती थी ना कि कहाँ दिखाएंगे, वो चिंता खत्म हो गई। अब बहुत प्लेटफॉर्म है, अब वो चिंता खत्म हो गया। अब आईबॉल्स का मामला है, अब आप अपना काम करके दिखाइए ताकि लोग आए और आपका काम देखें। राइट, थैंक यू राजेश। थैंक यू सो मच।